फितरत हमारी सहने की ना होती, फितरत हमारी सहने की ना होती, तो हिम्मत तुम्हारी कहने की ना होती। प्यारे बच्चों, आज मैं एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूं और मैं यही चाहता हूं कि हर एक भारतवासी को इस मुद्दे का पता होना चाहिए कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है। नामीबिया से भारत में चीते मंगवाए गए हैं। मैं नहीं कहता ये गलत कदम था, ठीक है वन्य जीवों को आप मंगवाइए, लेकिन इन चीतों के कारण हमारे हिरण की बलि देना कितना सही है। आप एक वन्य जीव को लाकर दूसरों की बलि दे रहे हैं, हमें हिरण भी बचाने हैं। और सबसे जरूरी बात है कि चीते का भारत में इतना स्वागत किया जा रहा है, चीता को पता ही नहीं चल पा रहा कि वो भारत में आया है या बीजेपी में आया है। मालाएं पहनाकर फोटो शूट हो रहा है उनका और उनको खाने के लिए हिरण परोसे जा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि किसी का भी ध्यान, जो हमारी गौ माँ मर रही है उसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक बयान तक नहीं आता, योगी आदित्यनाथ जी जो खुद को गौ रक्षक बोलते हैं उनका बयान तक नहीं आता। और वैक्सीन गाय के लिए, ये देखो चीते के लिए कितनी तैयारी की गई है, उनको सजाने के लिए एक प्लेन मंगवाया गया था, प्लेन से इनको मंगवाया गया, उस प्लेन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन और दूसरी ओर आप देखोगे ना प्यारे बच्चों, ये हमारी गौ माँ है और इसको इतने रोग से ग्रस्त हो चुकी है और इसके लिए वैक्सीन क्यों नहीं बन रही, क्योंकि गौ माँ का बोट नहीं है। इसलिए ना, अगर ये बोट होता इंसानों की तरह तो इनकी वैक्सीन कब की बन जाती। अब सभी का चीता प्रेम, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं ना चीता को हिरण परोसना गलत है, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे वो कमेंट करेंगे, सर आपको चीते से क्या प्रॉब्लम है, मेरे को चीते से प्रॉब्लम नहीं है, अगर हिरण की बलि दी जा रही है तो मेरे को उससे प्रॉब्लम है, अगर गाय की ओर हमारी माता की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो मुझे उससे प्रॉब्लम है। ये देखो आज प्यारे बच्चों, हमारा जो गोवंश है और ये ना लाखों की तादाद में है ना, राजस्थान में देखोगे, हरियाणा में देखोगे, कोने कोनों में ये डेली मरते जा रहे हैं, लेकिन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, शमशान घाट भरे पड़े हैं इनके, और इनको ठीक से मतलब इस वायरस के लिए कोई ध्यान, वैक्सीन के तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ये देख पा रहे हो। और ऐसे ऐसे दृश्य है प्यारे बच्चों जो आपको हिलाकर रख देंगे। और मैं कहता हूं कि हिरण है ना, उनको किसके लिए भेजा गया है, चीते के शिकार के लिए ये हमारे हिरण भेजे जा रहे हैं कि चीता है ना वो इनका क्या कर पाए, शिकार पर कर पाए। और सबसे जरूरी बात है कि ये ना एक बिश्नोई समाज ने ना माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया कि अगर आप हिरण की बलि दोगे ना तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। 363 बिश्नोइयों ने अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों के लिए आंदोलन किया था, वो कटकर मर गए थे, लेकिन वो सदियों तक उनकी मिसालें दी जाती है। और मैं कहता हूं ये किसी एक समाज की एक केवल एक समाज से जुड़ा मुद्दा नहीं है, एज ए भारतवासी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं हर एक भारतवासी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि हमें ना जितने प्यारे चीते हैं ना उससे कहीं प्यारे हमारे हिरण है। राजस्थान से हिरण है ना उन चीतों को मतलब खाने के लिए भेजे जा रहे हैं। मैं कहता हूं ये प्यारे बच्चों सरासर ना इंसाफी है, इन हिरणों का क्या कसूर है। और वो हिरण एक सलमान खान ने जिस चिकारा को मारा था और आज भी वो है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा रहा है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस स्टेप को जल्दी से जल्दी वापस ले लीजिए, क्योंकि हमें है ना मतलब हिरण से हम सभी भारतवासियों को प्रेम होना चाहिए और गौ माँ से प्रेम होना चाहिए। हम सभी को एकजुट होकर ना गौ माँ और हिरण इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, ताकि है ना नरेंद्र मोदी जी का ध्यान चीते से थोड़ा हट जाए और गौ माँ के जो वायरस फैला हुआ है उस ओर ध्यान दे। इतने करोड़ रुपए अगर चीतों पर खर्च किए गए होते, अगर इतने करोड़ रुपए हमारी गाय पर खर्च किए होते ना, तो पता नहीं हम कितने ही गोवंश को बचा पाते, लेकिन चीते पर ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। और उससे भ्रष्ट हमारा मीडिया है,
नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले को सही साबित करने के लिए ना जो मर्जी न्यूज चैनल खोल लो वो साबित कर रहा है कि वो वन्य जीव प्रेमी है। तो वन्य जीव प्रेमी तो पूरा भारतवर्ष है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं मीडिया को आप सच्ची खबर दिखाइए। अगर आप चीते को अच्छा बता रहे हैं तो हिरण को भी अच्छा बताइए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला वापिस नहीं लिया तो मैं तो कहता हूं पूरे भारत में ना हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं चीते के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं हिरण की बलि के खिलाफ हूं और गाय पर कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही, मैं इसके खिलाफ हूं। इस वीडियो को आप हर कोने तक पहुंचाइए और हो सके तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जहां भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप पत्र लिख सकते हो या किसी भी जरिए से उनको ये मैसेज पहुंचाए कि जल्दी से जल्दी आप ये अपना स्टेप वापिस लीजिए हिरणों को भेजने का चीतों के लिए, अदरवाइज बहुत बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार हो जाइए। इस वीडियो को हर एक नेता तक पहुंचाने का काम आपका होगा। धन्यवाद।